सलीम साहब, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? साहिर है उनका बड़ा बेटा है, वो तो धूमधाम से शादी करेंगे। तो करें धूमधाम से, लेकिन फिर भी तुम्हें उनकी रस्म वाली बात पे हामी नहीं भरना चाहिए थी। कैसे हामी नहीं भरती? छोटा सा घर है हमारा, यहाँ कैसे रस्म हो सकती थी? और आजकल वैसे भी कंबाइन मायू मेहंदी का फैशन है। तो भाई मुझसे जिक्र कर लेती, मैं कुछ ना कुछ करके अरेंज कर लेता ये सब कुछ। कहीं कर ही ना ले आप अरेंज, उन्हें भी हमारी खस्ता हाली और आपकी खाली जेब का बखूबी अंदाजा हो गया है। आप जो लड़के को चंद हजार रुपए दे के आए थे, उन्होंने वो भी वापस भिजवा दिया। पूरी शादी का बोझ अपने सर पर ले लिया उन लोगों ने। जिंदगी खत्म होने को है, लेकिन तुम्हारे ताने शायद कभी खत्म ना हो। शुक्र के दो बोल सुनने को मेरे कान तरस गए। जरूर शुक्र अदा करती, अगर कोई शुक्र अदा करने वाली बात होती तब। पूरी जिंदगी कट गई मेरी सब्र करते करते। ये तो खुदा का शुक्र है कि मेरी बेटी आफरीन की किस्मत खुल गई, वरना वो भी सारी जिंदगी माँ की तरह एक एक चीज को तरसती रहती। अच्छा हमें बस करते हैं। अब्बू मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये मेरा फोन है। जानती हूँ मैं तो ऐसे ही देख रही थी, क्या हो गया? फोन दो तो मुझे मेरा। मैं इतनी जान क्यों निकली हुई? अब तो देखना ही पड़ेगा इसमें क्या है। आफरीन मुझे मेरा फोन दो। क्या हो गया? क्या है? मुझे मेरा फोन दो आफरीन। अच्छा ये लो। शक्ल तो देखो अपनी, जान निकली हुई है तुम्हारी। इतने सीक्रेट है तो पासपोर्ट लगा के रखा करो ना इसमें। मुझे पासपोर्ट पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाती। अच्छा सुनो, तुम पे ये कलर बहुत सूट कर रहा है आफरीन। मेरी खूबसूरती रंगों की मोहताज नहीं है, जो रंग पहनूं खिल उठता है। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की। वैसे आफरीन, अगर तुम प्लेन स्काई ब्लू के साथ यही दुपट्टा लोगी ना तो मजीद प्यारी लगोगी। तुम पे ना बहुत सूट करेगा। मैं भी पता लगा के रहूंगी कि क्या सीक्रेट है जो मुझसे छुपा रही है।